गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर टू। हमारी आज की हेडिंग है सिमेट्री। क्या हेडिंग है बेटा? सिमेट्री। इन सिमेट्री द फ्लावर मे बी एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिक। देखिए, इसमें हम फ्लावर की सिमेट्री के बारे में बेटा समझेंगे। इससे पहले मैंने आपको फ्लावर पार्ट्स के बारे में बताया था, ठीक है? फिर उसके बाद मैंने ओवरी के सुपीरियर और इंपीरियर डायग्राम के बारे में आपको समझाया था। तो आज हम फ्लावर की सिमेट्री के बारे में बेटा समझेंगे। तो फ्लावर जो है आपके, द फ्लावर मे बी एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिक। देखिए, एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल होता है आपका मस्टर्ड एंड टमाटो। जाइगोमॉर्फिक का आपका एग्जाम्पल होता है पी एंड स्नैपड्रैगन। एसिमेट्रिक का आपका एग्जाम्पल होता है कैना एंड मेरेटा। ये तो इनके एग्जाम्पल की बात है, लेकिन अब हम बात करते हैं कि इनकी सिमेट्री कैसे होती है और हम किस तरीके से बेटा इनके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग एक्टिनोमॉर्फिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक, व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइड इनटू टू एग्जैक्टली इक्वल हाफ। जब कोई फ्लावर आपका डिवाइड हो जाता है टू एग्जैक्टली इक्वल हाफ, मतलब कि आधे आधे भाग में बट जाता है, बाय ए वर्टिकल सेक्शन पासिंग थ्रू द सेंटर इन एनी प्लेन, इट्स सेड टू बी रेडियल, सिमेट्रिकल, रेगुलर और एक्टिनोमॉर्फिक। इसका एग्जाम्पल है आपका क्या? मस्टर्ड। क्या एग्जाम्पल है बेटा? मस्टर्ड। बस आपको याद रखना है, व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इंटू टू एग्जैक्टली इक्वल हाफ। जब कोई फ्लावर जो है आपके टू एग्जैक्टली इक्वल हाफ में आपका क्या हो जाता है बेटा? डिवाइड हो जाता है बाई ए वर्टिकल सेक्शन पासिंग थ्रू द सेंटर, दिस इज नोन एज द एक्टिनोमॉर्फिक। और इसका एग्जाम्पल है बेटा आपका मस्टर्ड। देखिए, मस्टर्ड सरसों के जो पौधा होता है उसका फ्लावर्स मोस्टली सभी बच्चों ने देखे होंगे। अगर आपके इस तरीके से ध्यान नहीं रहा तो जब आप उसे देखेंगे तो आपने देखा उसका जो फ्लावर होता है आपका इजिली क्या हो जाता है? टू इक्वल हाफ में डिवाइडेड हो जाता है। सेकंड हेडिंग है आपकी बेटा जाइगोमॉर्फिक। इसका एग्जांपल मैंने पी बताया है। क्या बताया बेटा? पी, मटर के पौधे जो होते हैं उसका जो फ्लावर होता है उसके अकॉर्डिंग मोस्टली देखा होगा बच्चों ने जो बिलोंग करते हैं एग्रीकल्चर से, मटर के पौधे का क्या होता है फ्लावर। देखिए, इसके आपकी डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाल्स। जब कोई फ्लावर आपका डिवाइडेड होता है टू सिमिलर हाल्स में बाय ए वर्टिकल सेक्शन इन वन प्लेन ओनली, बाय सिर्फ आपका वर्टिकल सेक्शन किस में होगा बेटा? एक प्लेन में ओनली, इट्स सेड टू बी जाइगोमॉर्फिक और बायलेटरली सिमेट्रिकल फ्लावर। इसका एग्जाम्पल है आपका बेटा पाइसम। पाइसम सटाइवम मींस पी आपका क्या? जाइगोमॉर्फिक का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, फ्लावर जो होता है आपका डिवाइड होता है सिमिलर हाउस में बाय ए वर्टिकल सेक्शन इन वन प्लेन ओनली। उसका वर्टिकल सेक्शन जो था आपका क्या होता था? सेंटर से टू हाउस में आपका डिवाइड होता है, इसमें होता है सिर्फ बेटा वन हाउस में। थर्ड है आपका एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मीनिंग क्या है? सिमेट्रिक ना होना। तो एसिमेट्रिक है व्हेन ए फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ। जब कोई फ्लावर आपका डिवाइड नहीं होता टू सिमिलर हाफ में बाय एन वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, बाय एनी वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, इट इज सेड टू बी एसिमेट्रिक और इरेगुलर। इसका अदर नेम जो है आपका क्या है? इरेगुलर। क्या है बेटा? इरेगुलर। इसका एग्जाम्पल है कैना एंड मेरेटा। तो एक्टिनोमॉर्फिक को हम ऐसे भी कर सकते हैं, जब फ्लावर आपका डिवाइडेड हो जाए टू इक्वल हाफ्स में। क्या हो जाए बेटा? टू इक्वल हाफ्स में आपका फ्लावर जो है डिवाइडेड हो जाए बाय ए वर्टिकल सेक्शन पासिंग थ्रू द सेंटर इन एनी प्लेन। आपके क्या वर्टिकल सेक्शन जो है आपका पास होगा वो भी सेंटर इन एनी प्लेन में। जाइगोमॉर्फिक में क्या है, आपका फ्लावर जो है कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाउस बाय वर्टिकल सेक्शन इन वन प्लेन। ये वर्टिकल सेक्शन के अकॉर्डिंग एक प्लेन में ही डिवाइडेड होगा, वो आपका दो प्लेन में डिवाइडेड हो जाता था। और एसिमेट्रिक क्या है, ए फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाउस। जो फ्लावर है आपका डिवाइड नहीं होगा टू सिमिलर हाउस में। तो ये आपकी क्या है बेटा? सिमेट्री है फ्लावर की। नंबर वन एक्टिनोमॉर्फिक, नंबर टू जाइगोमॉर्फिक एंड नंबर थ्री एसिमेट्रिक। अगर आप सब फ्लावर की सिमेट्री के बारे में पूछा जाए तो ये आप एग्जांपल के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं।